दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं और राकेश और बात करें आज फिर से दोस्तों काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट टेक अपडेट्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर आज फिर से जो है फिल्टर करते हैं सारी की सारी न्यूज अपडेट्स को और काफी कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टेक अपडेट्स इस वीडियो में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करें दोस्तों की आ रही है उबर की तरफ से। उबर ने जो है फाइनली अनाउंस कर दिया है कि जो एयर फ्लाइंग टैक्सीज है वो कुछ चुनिंदा सिटीज़ के अंदर, यूएस तो यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑस्ट्रेलियन सिटी है यहाँ पर मेलबोर्न, दूसरी यहाँ पर है लॉस एंजलिस और एक डेलास नाम की सिटी है, इन तीनों के अंदर 2020 में फ्लाइंग टैक्सी जो कि होंगी उबर की ये लॉन्च कर दी जाएंगी, मतलब टेस्ट ड्राइव वगैरह शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे 2023 तक उबर की जो है फ्लाइंग टैक्सीज नॉर्मल आम आदमी के लिए उपलब्ध करा दी जाएंगी। जब भी चाहें, जैसे कि नॉर्मली आप एक टैक्सी बुलाते हैं मार्केट के अंदर से कहीं भी घर जाने के लिए या फिर घर से मार्केट जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, उसी प्रकार से आप इसे बुला सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों के लिए DJI के रोबो मास्टर S1 ड्रोन टैंक की तरफ से $500 का ड्रोन टैंक जो है आपको ड्रोन के जैसा ही यहाँ पर एहसास देता है, बसरते बस उड़ता नहीं है, नीचे नीचे जो है यहाँ पर चलता है और आप इससे जो है कुछ मतलब छुप छुपा के हिडन ऑब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं। डिस्प्ले के ऊपर वैसे जो है रिमोट कंट्रोल से आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पर जासूसी कर सकते हैं इसके साथ, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। वैसे इसे प्रोग्राम करके प्ले किया जा सकता है, जैसा आप चाहें वैसा इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है Vivo X50 की तरफ से, रेंडर्स वगैरह निकल के आए इसके। इसके अंदर 3.5 mm का हेडफोन जैक स्किप कर दिया गया है, नहीं मिलेगा। USB Type-C हेडफोन्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो USB Type-C इसमें रहेगी। Snapdragon 710 की यहाँ पर बातें हो रही है कि इसके अंदर लगभग यही होगा, ड्यूल रियर कैमरा के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसके अंदर होने की भी बातें हो रही है। तो कुल मिलाकर कहूँ तो मतलब वैसे भी जो है रियलमी के कुछ ज़्यादा यहाँ पर चर्चे हो रहे हैं, इसकी बात करने से क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट डेट बात करें दोस्तों आसूस रोग फोन 2 की तरफ से निकल के आ रही है, इंडिया के अंदर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो है रेजोन फोन की तरह ही यहाँ पर जो है 120Hz की डिस्प्ले इसके ऊपर हुड के अंदर दे दी गई है। तो कुल मिलाकर जो टाइमिंग है गेमिंग का वो बूस्ट तो होगा, लेकिन डिस्प्ले के साथ जो है काफ़ी हाई स्पीड से ग्राफिक लगातार आपको देखने को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का जो गैलेक्सी M40 है उसकी प्राइस 19,990 रुपये इंडिया के अंदर है, और यहाँ पर M30 से इसका कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि आपको M30 ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है उससे अच्छी तो M30 के अंदर है। तो कुल मिलाकर मुझे लगा कि M30 बेस्ट है M40 के मुकाबले। वैसे लेटेस्ट तो है M40 पर इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पर नहीं दी है। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल जो है इंटेल के साथ यहाँ पर पार्टिसिप कर रहा है 5G मोडेम के लिए, ताकि खुद के जो है 5G मोडेम यहाँ पर बनाए जा सके, पर इंटेल का ठप्पा जो है मोडेम्स के या फिर चिप्स के ऊपर रहने वाला है। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल आ रही है थॉमसन के टीवीज को लेकर, Android OS के टीवी जो है लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर, जो कि 4K है और साथ ही HDR10 का भी इनके अंदर सपोर्ट है। अब प्राइस बता देता हूँ, 43 इंचेस का अगर लेते हैं तो आपको 30,000 यहाँ पर देना होगा, और जो है 15 इंचेस का आप लेते हैं तो आपको 35,000 देना होगा, वहीं पर 55 इंचेस के आपको 39,000 पे करने होंगे दोस्तों। यहाँ पर 65 के यहाँ पर 60,000 ही आपको देने होंगे। तो कुल मिलाकर जो है कि बजट के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया फीचर के साथ, काफ़ी अच्छे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पर टीवी मिल रहे हैं थॉमसन के, तो इंडिया के अंदर अवेलेबल है, तो देख लेना अगर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो बात करें दोस्तों के लिए यार अमिताभ बच्चन के ट्विटर अकाउंट को लेकर हैक हो चुका है, और हैकर्स ने जो है DMs की लिंक्स वगैरह यहाँ पर भेजी हैं, जिससे जो अकाउंट को हाईजैक किया है। पूरी तरह से फिलहाल इसे रिस्टोर कर दिया गया है ट्विटर की तरफ से, लेकिन ट्विटर को भी देखना चाहिए किस प्रकार से जो है यहाँ पर अकाउंट हैक हो सकता है। कुछ लिंक भेज कर ही जो है कैसे यहाँ पर अकाउंट हैक कर सकते हैं, अभी रिस्टोर कर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो की बात करें दोस्तों निकल गया पेटीएम की तरफ से, काफ़ी बड़ी है। पेटीएम जो है 250 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर खर्च करने वाला है, यहाँ पर जो QR बेस्ड पेमेंट है उसे और ज़्यादा यहाँ पर अपडेट कर देगा, जिससे दोस्तों आपको एक अच्छा ऑप्शन ये मिलता है कि डायरेक्ट आप पेमेंट्स जो है बैंक अकाउंट में ले पाएंगे या फिर बैंक अकाउंट से डायरेक्ट वापस कर पाएंगे, जैसे ही गूगल पे और फोनपे करते हैं उसी प्रकार का ये फंडा जो है लेके आने वाला है, तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ के ऊपर 20 रुपीज़ कटते थे पहले, वो नहीं कटेंगे, ये एक अच्छा फीचर जो है आ रहा है पेटीएम के अंदर। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल गया गूगल पिक्सल 4 की तरफ से, नए रूमर्स निकल गया है। इसके अंदर जो है मोशन सेंसिंग सिस्टम होने वाला है कैमरा के अंदर, और पीछे की तरफ वही एप्पल की तरह यहाँ पर स्क्वायर चैम्बर के अंदर कैमराज पीछे की तरफ रहेंगे, तो मोशन सेंसिंग वाला जो फंडा है ये नया है, तो देखते हैं किस प्रकार से काम करता है, अभी तक किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट तो इसका निकल के नहीं आया। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल गया ओप्पो के फोल्डेबल फ़ोन की तरफ से। अब ओप्पो ने बेवकूफ़ी यहाँ पर क्या की है कि
पॉपअप सेल्फी कैमरा इसके अंदर भी चिपका दिया है। भाई जब फोल्डिंग फ़ोन है तो यहाँ पर पॉपअप कैमरा है, फिर फ्रंट कैमरा देने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ गई। यहाँ पर जो है रियर वाले कैमरा है, यहाँ पर सेल्फी बन सकते हैं और वहीं पर उसे उल्टा करके जो है यहाँ पर रियर बनाया जा सकता है। फिलहाल जो है पेटेंट अप्लाई कर दिया ओप्पो ने पॉपअप कैमरा वाले फोल्डेबल फ़ोन का। आपको कैसा लगता है, मतलब ओप्पो ने ये बेवकूफ़ी कैसे कर दी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट डेट दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनिए, व्हाट्सअप जेल को लेकर आ रही है। पहले भी हमारे एक टेक्निकल दोस्त हैं जो कि यूट्यूबर है, उन्होंने बता दिया था कि व्हाट्सअप के ऊपर अगर आप कुछ गलत करते हैं तो जेल होती है। तो इसी प्रकार का जो है नया कानून यहाँ पर चल रहा है इंडिया के अंदर, अगर आप गलत करते हैं ग्रुप के अंदर या फिर कहेंगे आप ग्रुप एडमिन हैं और आप अपने जो नीचे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आपके साथी हैं उनको कंट्रोल नहीं करते हैं ठीक से, और वहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ या फिर स्पैम पोस्ट वगैरह जो है लगातार यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं ग्रुप से, या फिर पहली बार आपकी ग्रुप से यहाँ पर स्टार्ट हो गया है कुछ शेयर होना, तो इस कंडीशन के अंदर आपको पकड़ा जा सकता है। पहले बता देता हूँ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप फिलहाल जो है अपना ग्रुप से वगैरह जो भी है चेक कर लीजिए। नेक्स्ट डेट की बात करें दोस्तों निकल आ रही है चाइना की तरफ से एक रिपोर्ट निकाली है, चाइना ने बहुत बड़ी हंसी आ रही है मुझे भी, और यहाँ पर जो है डॉलर 65 बिलियन का खर्चा करेगा 2023 में चाइना AR और VR हैंडसेट के लिए, ताकि पूरी दुनिया में हर मतलब शॉप के ऊपर, चाहे वो खुली शॉप हो चाहे बाहर कोई मतलब वैसे ही इकट्ठा करके बेच रहा हो, AR VR चाइनीज यहाँ पर बिकने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर। 2023 तक जो है फॉर्मूला अपनाने वाला है चाइना, ताकि चाइना का जो है पूरी दुनिया में राज हो जाए। जो भी है इतना पैसा खर्च कर रहा है तो इतनी कम प्राइस में AR VR मिलने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अपडेट्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर आप नए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें नीचे। कोई भी आपका क्वेश्चन है या फिर कुछ कहना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।